अलगूर्स एंड वेलकम टू सियासत मना है हम आज बात करने की कोशिश करेंगे एक काफ़ी अहम मौजूद है पुलिसिंग और पुलिसिंग सिर्फ पाकिस्तान की पुलिसिंग नहीं बल्कि एक मखसूस खैबर पखतूनख्वा में पुलिसिंग जहाँ पर दहशत गर्दी का अगर नेक्सस है पाकिस्तान में तो वहाँ पर है वहाँ से सारी वहाँ के लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा मुतासर हैं फ्रंट लाइन इन द वॉर ऑन टेरर आप उसको वॉर ऑन टेरर कहें इंटरनल दहशतगर्दी कहें या अनफर्गिवन सर्कमस्टांसिस के हम एक गलत जगह पर वो एक गलत जियोग्राफिकली गलत लोकेशन पर या एक अनलकी लोकेशन में मौजूद हैं वहाँ के लोग पेशावर के अंदर ब्लास्ट जो है वो वंस इन अ वीक ज़रूरी है खैबर पखतनख्वा में ब्लास्ट वंस अ वीक अगर ना हो तो इट्स इट्स नॉट पाकिस्तान और ये काफ़ी एक अफसोसनाक बात है हमारे साथ आज हैं मलिक नवीद खान साहब सबक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पखनखा उससे पहले सबक कमांड डांड फ्रंटियर कोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर फ्रंसैबलरी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर मलिक मुझे बताइए सर दहशतगर्दी गर्दी उनके दहशतगर्दों को पकड़ना और सिफत गयूर जैसे और आपके जैसे लोगों का की क, का, काम और आप जितनी थ्रेट्स फेस करते हैं उस पर भी आएंगे लेकिन सर पुलिस का काम इस टेररिज्म की वॉर में कितना अहम है uh, uh, मैं तो ये पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपने मधु किया मुझे uh, बेसिकली पुलिस uh, का काम है क्राइम uh, को कंट्रोल करना और छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर जो मसाइल होते हैं किसी भी उनको कंट्रोल करना सोसाइटी में हारमोनी रखना दहशतगर्दी किसी स्टेज पर भी, भी पुलिस की तारीख में पुलिस का काम नहीं रहा है लेकिन चूँकि किसी भी मुल्क में बड़े कम ममालिक हैं आज कल के डेडिकेटेड फोर्सेज होती हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तो जिन मुल्कों में ये नहीं होती तो बरमला पुलिस के ही उसमें पड़ता है ज़मरे में कि वो दहशत गर्दी को भी कंट्रोल करें अब जब हमारे खैबर पखतनखा में आ, दो हज़ार चार पाँच के करीब ये दहशतगर्दी शुरू हुई तो पुलिस बिल्कुल इससे वाकिफ़ नहीं थी चंद बम ब्लास्ट हुए थे एटीज़ में ये अफगान सिचुएशन के लेकिन इस तरीके का जो ऑन स्लॉट था टेररिस्ट का ये बड़े कम ममालिक में और बड़ी कम सोसाइटीज़ ने देखा है और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया जिसको हमें फिर बाकायदा स्ट्रेटजी डिवेलप करने के लिए आ, इसको डील करने के लिए मलिक साहब मुश्किल क्या दरपेश होती हैं एक ऐसी फोर्स जिसको ब्रिटिश राज के अंदर ऐसे ट्रेन किया गया था कि आवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो आवाम को दबा के रखे आ, उसके बाद उस फोर्स को हमने आज़ादी के बाद रिट्रेन करने की कोशिश की लेकिन एम्बेडेड वही आइडिया पूरे पाकिस्तान की पुलिस में कि जी लाठी जो है वो अवाम पर बरसेगी हमारे हुक्मरानों की सपोर्ट में सर उसके बाद फिर एक एक और एंगल आ जाना दहशत गर्दी उसको किस तरह टारगेट करते हैं इन्फॉर्मेंट्स हैं असली हैं नकली हैं मशकूक हैं किस तरह हैंडल किए जाएँगे अगर ख़ुदकुश हैं सर इसकी ट्रेनिंग जो है उसकी हमारे कोई फकदान है या ट्रेनिंग जो है अब एट पार आ गई है पहली बात तो ये जनाब के ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम वो ब्रिटिश राज के सिंड्रोम से निकल नहीं पाए और उसकी मेनली वजूहत ये हैं कि के, के पुलिस फोर्सेस को वो तवज्जो नहीं दी गई जो पहले देनी चाहिए थी जो अखराज और जो रिसोर्स इस वक्त पुलिस फोर्स को दिए जा रहे हैं ये चाहिए था कि शुरू में दिए जाते और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी जाती ये 2002 का पुलिस ऑर्डर था इसमें किसी हद तक पुलिस को ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी गई थी लेकिन वो कानून को दोबारा मसख किया गया और दोबारा उसमें चेंजेस लाए गए ताकि वही पुराना जो सिस्टम है वो लागू हो जाए जब तक एक, एक फोर्स के पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ना हो जब तक उसके पास रिसोर्स ना हो तो उसकी लीडरशिप को बड़े मसाइल फेस करना पड़ते हैं या आपने ट्रेनिंग की बात की सबसे अहम चीज़ है पुलिस फोर्स में ट्रेनिंग मैं आपको बताऊं जब मैं के पी के का आईजी लगा तो उस वक्त पुलिस फोर्स को सिर्फ तीस गोलियां मिलती थी एक सिपाही को ट्रेनिंग के दौरान दस ट्रेनिंग के लिए और बीस उसके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ये मैंने बढ़ा के तीन सौ की और फिर आपने चेंज देखा और मुराल देखा फोर्स का इसी तरह सिर्फ 20 परसेंट के पास जो ऑटोमेटिक हथियार थे वो मैंने 100 परसेंट दिए सेफ़्टी का ये हाल था कि पूरी फोर्स में 600 सौ बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी अब खुदा का फजल है कि हर जो सिपाही है उसके पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है तो ये चीज़ें हैं और दिए हमने टाइम ज़ाया किया पुलिस फोर्स को बेहतर नहीं होने दिया और जिन चीज़ों को हमने बेहतर होने दिया मेरा ख्याल है कि वो आप देखें हमारी फ़ौज है उसमें इंटरफेरेंस नहीं है ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है रिसोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी देख लें आप कुछ ऐसे और इदारे हैं नेशनल हाईवे पुलिस है, है उसमें इंटरफेरेंस नहीं है उसमें गवर्नमेंट की विल है कि ये ठीक रहे तो चल रही है इसी तरह ये यही जो इकदाम हैं ये जो विल है ये प्रोविशल पुलिस फोर्स पर भी अप्लाई करें तो डेफिनेटली चेंज आएगा मलिक साहब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक यूनिक सरकमस्टानस ऐसा है कि वहाँ की एक तो पुलिस फोर्स ज़्यादातर लोकल है वहीं के लोग हैं और एक और यूनिक सर्कमस्टांस ये है कि जिनको आप पंजाब में बैठ के या सिंध में बैठ के बड़ी आसानी से दूर से दहशत गर्द कह सकते हैं वो उनके अपने लोगों में से हैं एक एक कामराडरी भी होती है इससे कोई प्रॉब्लम सामने आती है सर पुलिस के मोराल में पॉपुलरिटी में अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और पुलिस उसके उसके मास्ट हेड है तो इसके अंदर कोई इंटरनल डिफिकल्टीज होती हैं मेरा तो ख्याल है जी इट इज़ अदर वे अराउंड ये पहली पुलिस फोर्स है मुझे बाहर के लोगों ने भी और यहाँ पर भी बड़े जमार लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा ऐसी पुलिस फोर्स है जिन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स को गले लगाया और एक ने नहीं सिर्फ पेशावर में नौ सुसाइड बॉम्बर्स को के बाद दीगरे गले लगाया और इंश्योर किया कि अंदर जा के वो सौ और हज़ारों लोगों की ज़िंदियाँ न लें और वो जान पर खेले तो ये ये बात नहीं है ये होता है कि किसी फोर्स में इक्का दुक्का लोग होते हैं जो ज, 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 जो या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं या डर जाते हैं लेकिन ओवरऑल पुलिस का मराल में रख्या है आप देखें खैबर खाज ये हमारे सूबे में वहाँ पर जुलूस निकले हैं पुलिस के लिए स्टूडेंट्स के जुलूस निकले हैं उन्हें हार पहनाए गए हैं और जहाँ पर भी, भी जाते हैं उनको सराहा जाता है उनके एफ़र्ट्स को और उनकी कुर्बानियों को तो ये बात नहीं है ये जो एक आध जो ऐसे केस होता है शायद होता होगा लेकिन जनरली पुलिस का मुराल ऐसा है कि उस पर खैबर खा पखतून के लोग जो खुद बड़े बहादुर लोग हैं उन्होंने इसका इसका मुकाबला किया था दहशत गर्दी का वो पूरी तरह समझते हैं और अप्रीशिएट करते हैं खैबर पखतुलखा पुलिस फोर्स का रोल आ, मलिक साहब एक सवाल फिर उसके बाद ब्रेक लेके मैं एक और अहम मौजू की तरफ आऊँगा कि टेर्रजम को किस तरह हैंडल किया जाता है लेकिन ब्रेक से पहले मुझे ये बताइए सर करप्शन की हम बदनवानी की हम बात करते हैं पाकिस्तान में इट्स गिवन कि बस है पुलिस खरोटबाद वाक़ होता है तो बात सामने आती है कि जी पुलिस ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी इट वेंट रॉन्ग मुझे एक बात बताइए करप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि टेररिज्म को बहुत सारे लोग रहमान मलिक साहब समेत हालाँकि वो काफ़ी ड्रामेटिक बातें करते हैं लेकिन उनके समेत वे समझते हैं कि जी पैसा जो है वन सब कुछ को टेर्रज़म को दहशत गर्दी को पैसे से बड़ा काम वो निकालते महज़ पैसे इस्तेमाल करके हैं सर एक पुलिस वाला है उसकी एक सर्टन सैलरी है अगर पुलिस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन बाय करप्शन हो जाए फाइनेंशियली कि आप दहशत गर्द अगर नहीं तो कम अज़ कम मुजरम अनासर जो क्राइम जरायम पेशा अनासर हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाए जिसकी वजह से फिर टेररिज्म बढ़ जाए इसका कितना बड़ा एक फैक्टर है करप्शन इन द पुलिस मेरा ख्याल है ये बहुत अहम पॉइंट है और करप्शन का बहुत बड़ा रोल है जैसे कि करप्शन का रोल किसी भी सोसाइटी में उसकी प्रोग्रेस के लिए उस तो सोसाइटी की बीइंग के लिए अहम है करप्शन का ना होना इसी तरह पुलिस में भी है अब इंस्टेंसेस पता लगाना कि किस को पकड़ा किस को छोड़ा वो बड़ा मुश्किल है पता लगाना क्योंकि ये दो आदमियों के दरमियान एक डील होती है जिसको इंसान ब्लैक एंड वाइट में नहीं ला सकता लेकिन ज़रूरी बात है जिस जिस फोर्स में या जिस सोसाइटी में करप्शन होगी वहाँ पे लॉलेसनेस वहाँ पे बेइंसाफी और वहाँ पे जनविन कल्प्रेट्स को छोड़ने का रिवाज जो है वो बाकी फोर्सेज जिनमें करप्शन नहीं है उससे ज्यादा होगा मलिक साहब लेकिन आज कल आज कल के हालात आपके छोड़ने इकतदार छोड़ने के बाद ये सऊद अजीज साहब के ज़माने में और फिर उसके बाद ये ये जो आज अगर कह रहे हैं कि जी क्राइम राइफ है तो आप समझते हैं इसके अंदर हमारी पुलिस फोर्स भी किसी तरह मुलविस है पुलिस फोर्स जितनी मुलविस थी वो उसमें कुछ डिग्रीज का फर्क कम या ज़्यादा हुआ होगा लेकिन आ, मसला ये है कि इस वक्त पुलिस को बड़े शदीद आ, जो आ, वो हैं मसाइल उनका सामना है आ, एक पुलिस फोर्स जो कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व होती थी वो आजकल हंड्रेड परसेंट टाइम जो है वो दहशत को दे रही है ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ के इंटेलिजेंस कलेक्शन क्राइम की छोड़ के सड़कों पे आ गए हैं तलाशियां ले रहे हैं बिल्डिंग्स की प्रोटेक्शन uh, कर रहे हैं उससे बेइंतहा असर पड़ा है हमारी इन्वेस्टिगेशन के विबिलिटी पे और हमारी बाकी जो प्रोफेशनल काम हैं uh, उन पे और उससे बहुत डिटेरिएट हुआ है हमारा इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड और ये एक याद रखें कि इन्वेस्टिगेशन सबसे अहम एक जुज़ है क्राइम प्रिवेंशन का जिस सोसाइटी में इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी वहाँ पे क्राइम रेट कम होगा सही मलिक साहब एक ब्रेक लेते हैं सर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे ये करना है कि किसी ने फ़ोन करके कहा कि जी दहशत गर्द हमें हम समझते हैं फ़ला साहब दहशतगर्द हैं तो फिर पुलिस करती क्या है और फिर जब आखिरकार पकड़ लेती है तो फिर अगर कोर्ट कहता है कि जी फटा नहीं लिहाजा ये मुजरम नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम लोग दहशतगर्दी की अगर जंग है तो हमारी नहीं है अगर नहीं है तो लोग हमारे शायद फिर नहीं मर रहे आप देख रहे हैं सियासत मना है एस एम एच सी एन बी पाकिस्तान डॉट कॉम बैक ओ दियो आफ्टर ब्रेक